जय हिंद किसान भाइयों, आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मोहित भाई के फार्म पे, तो चलिए आपको मोहित भाई से मिलाते हैं। नमस्कार मोहित भाई। नमस्कार मोहित भाई। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को, हमारे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। आपके सभी किसान जंक्शन चैनल पर वीडियो को देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और मैं मोहित राठी, राजपुर गाँव से, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा से। भाई, हम आपके आज फार्म पे आए तो हमने देखा आप अमरूद का बाग भी लगा रखा है और कुछ पोल्ट्री फार्म भी कर रखा है, कुछ मुर्गे मुर्गियां भी आपके पास। पहले आप क्या करते थे, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? इससे पहले भैया मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे पापा आज भी खेती ही करते हैं, फार्म को संभालते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं, पालक, मेथी, जो भी लोकल आइटम होता है वो सब करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि खेती से जुड़ा हुआ काम करें, तो हमने फिर एक स्टोर खोला ताकि हम अपना जो लोकल वेजिटेबल है अपनी सीधा हम अपने खेत से दुकान पे ले जाके कस्टमर को पहुंचाएं, सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने दुकान खोली भाई, वहाँ पे स्टोर कर लिया अपना गुड़गांव में। जितना भी अपना अमरूद होता है, नींबू होता है, किन्नू होता है, जामुन होती है, सीजनली भी जो भी अपनी वेजिटेबल है, हम सीधा पहले अपने स्टोर पे ही उसको हम पहुँचाते हैं। तो कितने टाइम से आपने ये काम कर रखा है? ये हमने अपना जो अमरूद का बाग लगवाया है, हमें लगभग 4 साल हो गए हैं। और ये 4 साल होने के कारण इसमें हमने देखा कि बहुत बढ़िया अमरूद आ रहा है और अच्छा वातावरण बना हुआ था अपने फार्म पे जी। तो हमने फिर सोचा क्यों ना इसके साथ साथ हम अपना एक पोल्ट्री का, अपना मुर्गा मुर्गी का नेचुरल तरीके से एक फार्म किया जाए। जो जैसे पहले जमाने में होता था, लोग घर में ही मुर्गियां रख लेते थे और खुले में छोड़ देते थे। तो विचार करा भी क्यों ना हम ऐसे ही एक करके देखते हैं। तो हमने फार्म बनाया अपना बढ़िया से और नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से, भाई मुर्गा अपने आप ही घूमे, मुर्गियां घूमे रेत में, मिट्टी में, वहीं घास खाएं, नेचुरल पालक वालक, बरसम, सब्जी, फ्रूट जो उन्हें मिले वो खाएं, अपना जो उनको अच्छा लगे। आपको ये काम करे हुए टाइम कितना हो गया, समय? ये हमें लगभग अपना पोल्ट्री का जो काम है ये किए हुए हमने 1.5-2 साल हो गया है लगभग। और बढ़िया से अपना मुर्गा मुर्गियां सब बढ़िया से चल रहा है, नेचुरल तरीके से, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और एक एक अंडा बिल्कुल अभी फ्रेश, बिल्कुल बढ़िया ताजा तरीके से आ रहा है। आपने जो ये फार्म किया हुआ है ये कितनी जगह पे किया हुआ है, जो पोल्ट्री की बात करें? मोहित भाई, ये हमने पोल्ट्री, अगर हम पोल्ट्री पोल्ट्री की बात करें तो भाई ये 1.5-2 बीघे में हमने बना रखा है। वैसे टोटल सारा ये किले के अंदर है अपना। एक एकड़ में आपने अमरूद का बाग भी किया हुआ है जिसके साथ ही आपने पोल्ट्री का किया हुआ है भाई। आपने इसके अंदर कौन सी ब्रीड रखी है, कौन सी ब्रीड चुनी हुई है इसके अंदर? भैया हमने एक तो RIR है, रोड आइसलैंड रेड करके होता है भैया, और एक है अपना ब्लैक एस्ट्रोल है, और कुछ हमने कड़कनाथ रखे हुए हैं अपने लिए, अपना शौकिया तौर पे। ये सब तीनों ब्रीड है अपने पास। तो सर, ये आपके पास कितने बर्ड हैं? 2,500 बर्ड्स हमारे पास है, उसमें से 300 बर्ड्स तो हमारे पास मेल मेल है, मुर्गा मुर्गा है जी जी। बाकी हमारे पास 2,200 के आसपास हमारे पास फीमेल है बर्ड्स, मुर्गी जो अंडा देती है, उसमें से हमारे पास अंडा 1,100 अंडा, 1,150 अंडा पर डेली का हमारे पास आ रहा है। आप इस अंडे की मार्केटिंग कहाँ करते हैं, कहाँ बेचते हैं, क्योंकि आपके पास अंडा बहुत क्वांटिटी में है? हमने पैकिंग बनाई हुई है इसकी, देखो आप इस तरीके की ये बॉक्स बना रखे हमने अपने नाम से। भाई कुछ तो अंडा मैं अपना यहाँ फार्म से सेल आउट हो जाता है मेरा, और कुछ जो अंडा होता है अपना स्टोर से हम उसको बेच देते हैं, अपने अपने कस्टमर हमारे बने हुए हैं उन्हीं को हम सेल कर देते हैं। ये जो हमारा रिटेल का जो स्टोर है, ये हमारा फ्रूट वेजिटेबल का स्टोर है गुड़गांव में। गुड़गांव में स्टोर है, तो ये गुड़गांव में आपका सारा अंडा चला जाता है? हाँ जी, हाँ जी, गुड़गांव में हमारा कस्टमर है फ्रूट वेजिटेबल का। हम अपने ही कस्टमर को अंडा पहले देने की सोचते हैं, पैसे कमाने का, इनकम का कोई ज्यादा मकसद नहीं। मेरा मकसद क्या है, जो हमारा कस्टमर है, हमारी दुकान का जो कस्टमर है या अदर कोई कस्टमर है, वो नेचुरल ही चीज उसको मिले, चाहे वो 2 रुपए महंगी क्यों ना हो। मेन मकसद आपका ये है कि वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज और नेचुरल ही फीडिंग वाली चीज कोई खाए। और फार्म से आप चाहे लाइव देख के ले लो, मैं तो खुद कस्टमरों खुद बोलता हूँ भाई आप नेचुरल चीज खाओ, देख के खाओ क्या खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या खा रहे हो। अगर कोई फार्मर भाई, कोई किसान भाई, अगर हम बात करें पोल्ट्री की, मुर्गी फार्म की, तो क्या वो छोटे स्तर पे भी काम शुरू कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, छोटे स्तर पे अपनी छत पे कर लो, अपने की कोई खाली जगह है, कोई कमरा है, कोई बरामदा है, तरीके से अपना बना के वहाँ भी रख सकता है, छोटे छोटा कुछ भी कर सकता है। तो ये जो छोटे स्तर पे फार्मर काम कर रहा है, ये कितने बर्ड से शुरू कर सकता है? जो छोटे स्तर पे काम कर रहा है भाई, वो 20 मुर्गी रख ले, 50 रख ले, 100 रख ले, जितना उसके पास जगह उस हिसाब से रख सकता है वो आराम से। ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर में भी, आप इसको 10 मुर्गी आप घर में ही पाल सकते हो। और अक्सर कोई भी फार्मर भाई पोल्ट्री का काम करना चाहता है, उसे एक समस्या आती है, प्योर ब्रीड नहीं मिल पाती। जो चूजे की आप बात करो, ये सबसे जरूरी एक इम्पोर्टेंट बात है, जानकारी हो जिस बंदे को और जिस पे आप विश्वास करो जी,
उसी बंदे से चूजा ले, क्योंकि इसमें जो छोटा चूजा होता है उसमें ओरिजिनल की असली की कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं पहचान सकता। और इसी के साथ साथ जैसे दूर बैठा कोई किसी और स्टेट से है, अब उसको 100 चूजे चाहिए, 200 चाहिए, तो कैसे देंगे उसको। हमने भी अपनी एक छोटी हैचरी लगाई हुई है और हम खुद नेचुरल तरीके से मुर्गा मुर्गी हम साथ रखते हैं, तो कम से कम जिसको चूजा चाहिए, थोड़ा बहुत चूजा अगर चाहिए उसको 200-500 हजार तक चाहिए है, वो तो हम भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो हमारे आसपास है तो उसको हम भी भेज देते हैं। हमारे पास RIR FG या फिर कड़कनाथ ब्लैक एस्ट्रोल, हमारे पास तीनों वैरायटी के चूजे हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो मोहित भाई, एक बर्ड को अगर हम बात करें तो कितनी जगह चाहिए कि हम बर्ड को अच्छे से मैनेज कर सके? अगर हम प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो हमें एक बर्ड को 3 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और नहीं तो अगर आप फ्री रेंज मुर्गी को रखते हैं तो 1 स्क्वायर फीट सिर्फ इसलिए चाहिए, वो भी कि आप मुर्गी रात को बैठना है, बारिश है, धूप लग रही है उसको, तो ताकि अपना अंदर से बैठ सके, अपना आराम कर सके। आपने हमें बताया कि इनको आप फीड भी आप ऑर्गेनिक दे रहे हो और इनको आप कभी थोड़ा बहुत दाना भी देते हो, तो इनमें बीमारी का क्या खतरा रहता है? वैसे तो कोई बीमारी इनमें अभी तक तो 1.5-2 साल हो गया है, कोई बीमारी हमने देखी नहीं है। अगर फिर भी कोई अगर हो जाती है तो हम उसको नेचुरल तरीके से, जैसे कि नीम के पत्ते से, नींबू के पत्ते से, मतलब प्राकृतिक तरीके से ही उसको हल्दी पाउडर देके नेचुरल तरीके से हम मुर्गी को सोचते भी ये कोई बीमारी दूरी रहे इनसे और ठीक हो जाए। तो मोहित भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और साथ ही हमारे फार्मर भाइयों को एक अगर कोई मैसेज देना चाहो, अगर किसी किसान भाई को अगर हमारे से कोई संपर्क करना है या हमारे से कुछ पूछना है, तो हमारा गांव में तो निमी फार्म के नाम से अपना फार्म है राजपुर में, और अपना गुड़गांव में अपना स्टोर है निमी स्टोर के नाम से। मोहित भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हाँ जी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।